सैयद अरूज जफर समदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एच ओडी फिल्म और टी वी आई ए सी में अपनी सर्विस दे रहे हैं सर सबसे पहला मेरा सवाल कि आपका जो बैकग्राउंड था वो सम हाउ डिफरेंट था आपके प्रोफेशन से तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई सबसे पहले तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया सो so, आप बाकी आपके सवाल पे आते हुए आप कह सकते हैं कि मेरी एजुकेशन येस वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ लेकिन मेरे फादर इसी फील्ड में थे वन ऑफ़ ऑफ़ द इन मैं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक हम और आप विद पी एन वाई के एक न्यूज शो के साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पी एन वाई ट्रेनिंग एक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने नौजवानों को एम्पावर कर सकें और उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सकें आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे स्पेशली हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कि हमारे यहाँ जब बच्चे स्कूल से कॉलेज़ की तरफ़ या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं तो हम बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं हमने ये डिग्री एनरोल तो कर ली है अब इससे आगे हमने करना क्या है हमें कुछ समझ नहीं आती हम इतना ब्लैंक होते हैं और हम अपने टीचर से पूछ रहे हैं टीचर या मैम हमें बताएं हमें आगे क्या करना चाहिए भाई आपका माइंड सेट है आपकी अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है तो आप लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ेंगे हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलू सैयद अरूज जफर समदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एच ओ डी फिल्म और टी वी आई ए सी में अपनी सर्विस दे रहे हैं और माशाला इनका एक्सपीरियंस भी बहुत है हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ी चीज़ी भी जानेंगे। सर कैसे हैं? जी ठीक-ठाक। सबसे सबसे पहला मेरा सवाल के आपका जो जो था था वो somehow different था आपके profession से। तो ये जो journey start हुई, सबसे पहले तो ये हुई पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शो में मधु करने का और अप्रिशिएट करना चाहूँगा पी एन वाई को जो इतने एक वास्ट लेवल पे और रेंज पे कोर्सेज करा रहे हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि आई थिंक शॉर्ट कोर्सेज इज़ द नीड ऑफ़ द डे एक्जैक्टली बिल्कुल क्योंकि हमने जब वो रियलिटी लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों में जाना है तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है जी बिल्कुल सो so, आप बाकी आपके सवाल पे आते हुए आप कह सकते हैं कि मेरी एजुकेशन यस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ लेकिन मेरे फादर इसी फील्ड में थे वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पी टी वी इन पाकिस्तान और मदर वाज इन द टीचिंग प्रोफेशन सो प्रोफेशनली तो मैंने दोनों उनके ही चूज़ किए जो लेकिन येस yes, स्टडीज़ में जो है मैंने सारी उम्र इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ी दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट लिटरली जो दोनों okay. कहा जाता है कि बड़े ड्राई सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुं। लेकिन मेरा अपना एक तजर्बा ये रहा है दोनों को पढ़ के कि जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं महंगाई सर इन्फ्लेशन के एवरीथिंग इन द एंड डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमिक्स आती है तो hmm. आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ें बिल्कुल और हिस्ट्री तो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ exactly. तो हिस्ट्री से आप सीखते हैं सो आई थिंक मुझे अपने इस मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट hmm. और फिर एकेडमिक्स में बहुत फ़ायदा हुआ है अपनी एजुकेशन hmm. का बिल्कुल ये चीज़ें मैंने सीखी और उनसे मुझे हेल्प मिली hmm. अच्छा सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बहुत से अभी मैं बात कर रही थी कि बच्चे स्कूल से कॉलेजेस की तरफ आते हैं यहाँ पे आ, पेरेंट्स की बात भी मैं करूँगी लेकिन पहले मैं ज़रा बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही हूँ कि हमें खुद आइडिया नहीं होता कि मैंने किस फील्ड में जाना है यानी हम देखते हैं ट्रेंड सिस्टम की तरफ जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं मुझे वही करना चाहिए शायद उसी में स्कोप है उसी में पैसा है और उसी में लाइफ है हम ये समझते हैं तो वाई इट सो इम्पॉर्टेंट कि हमने जब भी किसी फ़ील्ड में जाना है हमें उस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि हमें भी पता चले हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड

लेकिन एक तो आपने जो बात की है पेरेंट्स प्रेशर अभी भी बहुत होता है कि कौन सी फील्ड हैं जी अभी भी डॉक्टर है जी क्योंकि हमारे यहाँ क्या है चूँकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास ज़रा ज़्यादा है अच्छा True. जी कौन सी फील्ड है जिसमें सैलरी मिल रही है hmm. हाँ जी डॉक्टर बन जाएं बाहर चले जाएंगे किसी hmm. ना किसी टाइम इंजीनियर बन जाएं या आजकल के दौर में एमबीए बीबीए कर लेम बी कर नौकरी तो मिल नहीं है बिल्कुल। जो स्टूडेंट डेयर करता है यहाँ से हट के सोचने पे, जिस तरह आर्ट्स में स्पेशली सो इवन पढ़े लिखे पेरेंट्स का एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक आता है नेगेटिव रिएक्शन होता है क्या करेंगे उस फील्ड में हालांकि अब आप देखें तो जस्ट टू नेम एक्टिंग एक जमाने में एक्टिंग कहते थे जी एक्टिंग से बुरी चीज़ कोई नहीं आजकल कितने पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ एक्टिंग में आ रहे हैं दे आर मेकिंग मिलियंस कोई भी पांच लाख की जॉब भी कर रहा है, उससे ज़्यादा पैसे वो लोग बना रहे हैं इट्स नाउ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन यस ट्रू और दूसरे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो स्पेशली हमारी एजुकेशन सिस्टम में है हमारे वो है कि गवर्मेंट स्कूल एंड प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती मैंने अभी हमारे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में हमने समर कैंप किया जिसमें सेवन्थ एट्थ नाइन्थ के बच्चे आए उनको पता था कि जी मैंने आगे क्या, क्या करना, करना है डायरेक्शन ऑफ जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर से बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो कहते हैं जी ठीक है जहाँ दाखला मिल जाए एग्जैक्टली exactly, yes. तो अब आपको दाखला तो कहीं मिल गया लेकिन आप वो करना ही नहीं चाहते बिल्कुल तो वो जो टाइम उनका सीखने का पढ़ने का उसमें वो दो तीन साल तक यही सोचते रहते हैं कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए एग्जैक्टली exactly. हमें और क्योंकि पेरेंट्स में भी इतना शूर नहीं है कि वो पेरेंट्स से डिस्कस क्यो? कर सकें कर सकें तो आई थिंक ये इस बात के पीछे बड़ा ज़रूरी है कि आपके बच्चे की एक बेसिक एजुकेशन क्या है बिल्कुल और क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट फ्राम होम नॉट फ्राम कॉलेज और यूनिवर्सिटी और यहाँ पे सर एक और चीज़ है हमारे बच्चे फिर थर्ड uh, ईयर या फोर्थ ईयर जाके देखते हैं अच्छा ये तो मुझे करना ही नहीं था मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ लेकिन वही बात है कि इतनी फीसिस बढ़ ली हैं तो अब मजबूरी है हमें इस फील्ड को कम्प्लीट करना और इसी के दूसरे पर्सपेक्टिव में पेरेंटल आपने जिस तरह से बात की प्रेशर कि हमारे पेरेंट्स का अभी भी स्टिल मैं कहूँगी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट पेरेंट्स का माइंड सेट है कि जो ख्वाहिशात मेरी पूरी मेरी नहीं, नहीं हो सकी मैं चाहता हूँ वो मेरी औलाद पूरी करे अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता था वो मैं नहीं कर सका तो मेरी कोशिश है मेरा बच्चा वो करे अब बच्चे का आई लेवल वो नहीं है माइंड सेट वो नहीं है आप बच्चे पे उस चीज़ को बिल्कुल एक प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती करवा भी देंगे तो वो आपके प्रेशर में कर ले लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं होगी तो आप एज अ प्रोफेशन या एज एकेडमिक प्रोफेशनल क्या गाइड करेंगे स्पेशली यहाँ पे मैं रिगार्ड करना चाहूँगी हमारे पेरेंट्स को कि क्यों हम इतना प्रेशराइज करते हैं अपनी ख्वाहिशात को क्यों दूसरों पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो पूरी कर सकें जो हम नहीं कर सकें लेकिन इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह मैं आपको एक दो मज़े की बातें वाकई सुनाता हूँ कि कई स्टूडेंट्स जानने वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे छोटा भाई या बहन डिजिटल क्रिएशन पे कंटेंट पे काम करना चाहते हैं वो हम समझते हैं कि अभी वो सेवन्थ एट में एट्थ में कि वो घर बैठ के भी बड़ा अच्छा अर्न कर सकें एक्जैक्टली सो मेरी मुलाकात हुई उनके पेरेंट्स से तो उन्होंने कहा जी हाँ आप बच्चे को ग़लत जो है क्या कहते हैं साइड पे ले जा रहे हैं उसे hmm. तो आदत पड़ जाएगी कि वो घर बैठ के काम करे बाहर जाके काम ही नहीं करें तो काम तो घर से बाहर होता है hmm. अब ये इतनी एक ओल्ड थॉट दूसरी बात कि जी घर बैठ के काम नहीं होता हालांकि अब आप आजकल देखें तो किसी भी उम्र के लोग जो हैं वो इंटरनेट दे आर अर्निंग इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के बेल्कुल. आप कहें जी किसी भी उसमें चाहे आप सेल्स में हो कुछ में हो लेकिन यू आर अर्निंग आप अपना सारा जो ये खर्चा है खुद उठा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि छोटे बच्चों को भी समझ आ रही है फॉर एग्जाम्पल टेक यूट्यूब पांचवी से बच्चे जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर रहे हैं चीज़ें कर रहे हैं सो आई थिंक कि अब बच्चा जो होता है उसको एक हद हाँ तक तो जब तक वो आई थिंक यूनिवर्सिटी इवन यूनिवर्सिटी में जो आपने बात की थर्ड फोर्थ सेमिस्टर तक वो बहुत मेजोरिटी केसेस में अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकता मैंने ये करना है और सेवन्थ एट्थ का मैट्रिक का फर्स्ट ईयर का अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता कि जी मैंने ये करना है फीस नहीं देंगे साथ वाले के बच्चे को देखो सो so, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा होती है आयद होती है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें सर लास्ट इस पे यही एक मैसेज मेरा है हमारे बच्चों के लिए हमारे बड़ों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ या कौन सी ऐसी टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे कि जब वो प्रोफेशनलिज्म में आए तो उन्हें लास्ट लाजमीन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने प्रोफेशनलिज़म में अपने आप को बेहतरीन तरीके से सर्व करवा सकें देखें स्टूडेंट्स के लिए किसी भी फील्ड के हों नॉट नेशनली मीडिया के हों किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो तो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल डेज़ यूनिवर्सिटी में जब वो हैं चार साल की डिग्री वो कर रहे हैं तो उस वक्त वो सिर्फ ये ना कहें ये ना समझें कि जी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की और टीचर्स की है टीचर आपको एक हद तक चीज़ें देता है उसके बाद आपने टीचर से खुद चीज़ें लेनी होती हैं yes. सो आप कहेंगे जी ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ उसी दौरान अपनी एजुकेशन के दौरान लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप्स करें डू नॉट थिंक ऑफ मनी जब आप सक्सेसफुल होंगे पैसा खुद आएगा उस चार साल में आप इंटर्नशिप्स करें अपने टीचर्स को जो जानने वाले हैं पेरेंट्स के उनके दोस्तों को जी मुझे कहीं ना कहीं काम दिलवा दें मैं तीन महीने की इंटर्नशिप करना चाहता हूँ मुझे बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए सो जब आप निकलेंगे चार साल बाद अगर आपने दो तीन चार जगह काम किया होगा तो प्रोफेशनली आपको पता होगा कि ये मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ वो सामने कैमरा लगा हुआ exactly. है होस्ट ने कैमरे में देख के कब बात करनी है आपस में देख के exactly. कब बात करनी है पेंटिंग करनी है तो मेरे क्या क्या डायमेंशनस होंगे लाइंस होंगी फिगर्स होंगे कर्व्स होंगे तो वो आपको चार साल में क्लास में बैठने से नहीं आएगा उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा और तो इसीलिए इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ने आपको एक इंटर्नशिप करा दी आप कहें जी हर समर में मैंने कुछ करना hmm. है सो so, आपके पास yes. चार साल हैं एग्जैक्टली दैट इज योर टिकट टू बेटर अपॉर्चुनिटीज वंस नॉट इवन वंस यू हैव ग्रेजुएटेड बट इवन इन द लास्ट ईयर आपको जॉब exactly. ऑफर्स मिलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपके सी पे होगा किसने yes. तीन साल में तीन इंडस्ट्रीज में काम किया hmm, है बिल्कुल दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर अपने आप का लोहा मनवाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग नॉट नेसेसरली कि प्रोफेशनली हो बल्कि पर्सनली ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है सर की बात के साथ ही एडिशन करूंगी आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग किस तरह से हो रही है आपकी अपनी प्रेजेंटेशन कैसी है आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही अच्छा आप सर्व कर सकते हैं सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम